गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कुछ नोटिस किया? बहुत दिनों बाद आज मैं घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। टुडे द डेट इज 15 अगस्त। टुडे इज द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। आज हम अपनी पहली राइड पे जाने वाले हैं, अपनी नई बाइक पे। नई बाइक का नाम, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, इस व्लॉग में हम रिवील करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। Hello and what's up everyone, I hope all you guys are doing great. This is Ayush Multani, welcome to my YouTube channel. जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं ऊपर से नीचे तक ऑलमोस्ट रेडी हूँ। गार्ड्स लग चुके हैं, इनर्स पहन लिए मैंने, सिर्फ ऊपर जैकेट पहनी है, गाड़ी को लोड करना है एंड देन वी ऑल सेट टू गो। हमारे साथ और एक राइडर ज्वाइन करने वाला है, जो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कौन है। अब ये गाड़ी आपने जानी पहचानी सी लग रही है आपको, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाई थी। दिस इज करण टोपरानी, जो फुली लोडेड पहली बार हमारे साथ राइड पे जाने वाला है। अपन पूरे गियर अप हो चुके हैं, गाड़ी पे पीछे बैग बांध दिया है। बैग में ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ गोप्रो का सामान है और मेरा रेनकोट वगैरह है, जो मुझे पता नहीं अगर बारिश आए तो मैं कैसे निकालूंगा। द डेस्टिनेशन फॉर टुडे इज अहूरा होटल। जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ी पे फ्लैग लगा हुआ है। टुडे द इंडिपेंडेंस राइड इज गोना बी विद टू बाइक्स, रॉयल एनफील्ड हिमालयन। करण की है ग्रे, इसने अपनी गाड़ी का नाम रखा है ग्रे गूस। हमारी है ब्लैक। तो हम इस व्लॉग में इस गाड़ी का नाम रिवील करने वाले हैं। हमने हमारी गाड़ी का नाम रखा है थॉर। तो ब्लैक कलर की थॉर है और करण की ग्रे गूस है। टाइम इज 6:54, हम निकलने वाले थे 6:30 को, पर कोई बात नहीं, हम आराम से निकलना चाहते हैं क्योंकि हमारी पहली राइड है। तो ऑल द प्रिकॉशंस टेकन। द डेट इज 15 अगस्त, 75th इंडिपेंडेंस डे। गणपति बप्पा मोरया। अब ये फ्लैग आपको बीच में आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बट थोड़ी देर में रुक के इसको एक अच्छी सी जगह डिसाइड करके अपन सेट कर देंगे। करण अपने पीछे है। आप पूरा गियर अप होके, मैं गाड़ी बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ। करण को वैसे आदत नहीं है इतनी गियर अप करके गाड़ी चलाने की। करण ने हाईवे पे ज़्यादा गाड़ी चलाई भी नहीं है, तो करण का आज थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। हम आगे पीछे नहीं होंगे, साथ में जाएंगे, बिकॉज वी आर ओनली टू राइडर्स, तो ईजी भी होगा थोड़ा साथ में रहना। मैं वैसे चाहता तो नहीं, पर मुझे ये करना पड़ रहा है। इस फ्लैग को यहाँ से निकालना पड़ेगा क्योंकि जो आगे का व्यू है वो ब्लॉक हो रहा है, तो ये फ्लैग कैमरा के आगे ही फ्लिकर होता रहेगा। तो हम इसको अभी फिलहाल निकाल के जैकेट के अंदर रख देते हैं। जैसे हम हाईवे पे निकलेंगे, इस फ्लैग को निकाल के हम एक अच्छी सी जगह पे लगा देंगे, जहाँ पे ये लहराता भी रहेगा और हम अपनी इंडिपेंडेंस राइड इंजॉय भी कर सकते हैं, आपको अच्छा आगे का व्यू भी दिखा सकते हैं। अहूरा होटल पे जो फ्लैग होस्टिंग है वो है 9 बजे की, तो सारे राइडर्स अभी हमें हाईवे पे ही मिलेंगे। हाईवे पे मिलेंगे या नहीं पता नहीं, या ऑन द वे भी मिलें, पर हमें काफ़ी बाइक्स देखने मिलेंगी आज जो अहूरा होटल की तरफ जा रही है, क्योंकि अहूरा होटल इज नोन टू बी अ बाइकर्स पॉइंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले कभी अहूरा होटल गया नहीं हूँ। दिस इज द फर्स्ट राइड फॉर मी एंड फॉर करण एज वेल टू अहूरा होटल। एक्साइटमेंट है और पहली राइड की खुशी भी है कि हम अपनी थॉर पे पहली राइड कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ। आ चुका है विरार का फाटा, विच इज अ कनेक्शन ऑफ विरार टू द नेशनल हाईवे नंबर 48। ये जो आपने राइडर देखा अभी पीछे गया, दिस इज करण। वी हैव टू टेक अ लेफ्ट एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स सूरत। तो हमारी राइड स्पेसिफिकली फ्रॉम विरार टू चारोटी होगी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स।
भाई पीपल, जैसे कि मैंने आपको कहा था थोड़ी देर रुके, नजारा ही कुछ और होगा। ये देखिए बाइक्स की लाइन लगती जा रही है, दे आर ऑल हेडिंग इन टू दैट डायरेक्शन विच इज चारोटी। चालू है, करण इज हियर, आई एम हियर, दोनों गाड़ी सेफ है, सही सलामत। वी हैव क्रॉस द फर्स्ट टोल टूवर्ड्स गुजरात। अब हम जैसे कि हमेशा इस ढाबे पे रुकते हैं, अब हम इस ढाबे पे रुके, हम थोड़ी सी चाय पियेंगे, फिर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था बाइकिंग ब्रदरहुड, ये तो होना ही था। ये देखिए हमारी हालत देखिए पैर की, ये मुझे पता था ये होगा, विच वॉज होना ही था यार, छोड़ो अब मेरे वर्ड नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि काफ़ी बाइकर्स दिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, आप नज़ारा देख सकते हैं, सिर्फ बाइक ही बाइक दिखेंगे आपको। अहूरा होटल पे पहुँच के नज़ारा कुछ और ही होगा, ये सिर्फ ट्रेलर है, काफ़ी काफ़ी बाइक दिखने वाली है आपको, कम से कम 500 से 550 बाइक आपको दिखेंगे अहूरा होटल पे। तो चलिए पहले मैं कुछ चाय नाश्ता कर लूँ, फिर आपसे आगे की बातें करते हैं, जुड़े रहिए। और पीपल सुनिए, आपने बाइक क्या हुआ, कोई तो बाइक है पता नहीं, आइए जिसकी आवाज़ थी कावासाकी निंजा X2, ये सब दिखने वाला है। करण भी दिखने वाला है, करण कितनी अच्छी बाइक चला रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, करण पहली बार हाईवे पे गाड़ी लेके। कर लो पहले तुम ये कर लो, ये होगा ये बहुत होगा। अभी हम चाय कॉफ़ी पियेंगे, अपने हाईवे को निकलेंगे, और हमारी गाड़ी जो कल हमने खुद इतने लाड़ प्यार से धोई थी पूरी गंदी हो गई, यहाँ से वहाँ से सब गंदे हो गए। ये तो होना है, पर लकीली आज बारिश नहीं आ रही है, मौसम अपना साथ दे रहा है, बारिश बिल्कुल नहीं हुई अभी तक। यहाँ पे आगे एक लाइनअप चालू है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, वो देखिए वो एक लाइनअप हो रहा है, अगर हम जल्दी रेडी हो गए तो, या फिर वो लाइनअप आगे निकल गया तो हम इनके पीछे से जाएंगे। लाइनअप में गाड़ी चलाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि पूरी सीक्वेंस में गाड़ी चलती है और एक के पीछे एक गाड़ी चलती है, बहुत अच्छी लगती है। जहाँ तक मुझे पता है अहूरा होटल पे आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने मिलेगा, मतलब जो आपने अब तक चैनल पे देखा है उससे थोड़ा डिफरेंट और हटके कंटेंट देखने मिलेगा, पर आई एम श्योर कि आपको मज़ा जरूर आएगा, जुड़े रहे। ये भाई को ये बाइक बहुत पसंद आई है, इनकी पहली राइड है, आप एंजॉय कर रहे हो ना राइड? अरे बहुत ज्यादा ब्रो, बस वही बात करता है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ में आया है, ये अभी हमको मिले, मैंने इनकी कुछ अच्छी अच्छी फोटोज ली इस बाइक पे, बाय 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 एंजॉय, मैंने इस बाइक पे इनकी कुछ फोटोज ली, वो काफ़ी खुश थे। अब हम अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे, हमने ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली किया होगा हमारे घर से, अब हमें और 51 किलोमीटर्स बाकी है, तो लेट्स गो। मैंने गाड़ी गियर में छोड़ी हुई थी जो मैं भूल गया, ये गाड़ी चलाओ बट रेस्पॉन्सिबली चलाओ, मैं सबको यही बोलता हूँ, गाड़ी चलाओ एंजॉय करो, तुम्हारी गाड़ी में आवाज़ है गाड़ी की आवाज़ सुनाओ, पर रेस्पॉन्सिबली राइड करो, सब सेफ होने चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। नाउ हम भी निकलते हैं। और ये दूसरा टोल प्लाजा जो है चारोटी का, हम दूसरा टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं आज का, वो देखिए करण अपनी एडवेंचर गाड़ी का पूरा मजा ले रहा है, पता नहीं कहाँ गाड़ी लेके घुस गया। सामने होटल अहूरा का बड़ा सा बोर्ड लगा है, वहां पे दो फ्लैग होस्ट किए गए हैं, ये सारा बाइकर्स के लिए किया गया है। ये देखिए ये मेला सा लगा हुआ है यहाँ पे, पहले हम नेशनल एंथम के लिए रुक जाते हैं। भारत माता की जय। अब हम अपनी गाड़ी साइड में ले लेते हैं,
क्योंकि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो गई थी। हम रुके हुए थे यहाँ पे, पहले तो सबसे पहले जगह ढूंढ के गाड़ी लगानी है। नेशनल फ्लैग के लिए इतने रिस्पेक्ट देके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें पार्किंग ढूंढनी है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बाइक्स है और ये रेविंग चालू, ये तो होना ही है। चलती रहेगी यहाँ पे। अब हम इनका वेट कर रहे हैं, ये अंदर जाएंगे तो हम इनके पीछे अंदर जाएंगे और गाड़ी लगाएंगे कहीं ना कहीं और फिर इस जगह का फील लेंगे। पहले मैं पार्किंग ढूंढ लूँ। और आई पीपल पीपल, हम होटल अहूरा पहुंच गए। जैसे कि आपने अभी से पहले देखा फ्लैग होस्टिंग मैंने आपको दिखा दी, बराबर टाइम पे मैं पहुंचा। फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे फ्लैग होस्ट हो रहा था, नेशनल एंथम चालू था, हम पहुंच गए। हम गाड़ी से उतर के हमने अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट भी दे दी। करण मेरे बाजू में था, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं फ्लैग होस्टिंग शूट कर रहा था। करण वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। और अब जो यहाँ पे बवाल चल रहा है आप वो देख लो। होटल में फील है, जगह में फुल पावर है। मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक्स देखी थी जो मैंने ऑन द वे देखी थी, पर अब बारिश आ गई तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। करण इससे मुझे नहीं लगता इन बाइकों की आवाज़ में मैं बात कर पाऊँगा आपसे और आपको मेरी आवाज़ आएगी भी, पर मैं आपको बाइक्स दिखाऊंगा ज़रूर। थोड़ी सी बारिश रुकने दीजिए, हम बाहर जाएंगे और बाइक्स देखेंगे आपको एक एक अच्छी अच्छी बाइक्स में दिखाऊंगा। पर पहले हम कुछ खा लेते हैं क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे, सिर्फ एक कॉफ़ी पिया हमने ऑन द वे। तो पहले हम कुछ थोड़ा सा खा लेते हैं, अब तक शायद बारिश भी रुक जाए और आप और हम अच्छी अच्छी बाइक्स देख सकते हैं। जुड़े रहें। मुझे बहुत पसंद आया, जिसने भी किया है ये, जैसे भी किया है ये, बहुत अच्छी लग रही है चेतक।
बहुत हाईली बहुत पेशेंस से मॉडिफाई किया गया है। आगे का साइलेंसर निकाल के साइलेंसर पतला करके लगाया गया है। बहुत प्यारी लग रही है चेतक। अगर डैड यहाँ होते तो उनको ये बहुत पसंद आती। पापा जी को ये गाड़ियाँ बहुत पसंद आती। बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बनाया गया है इन गाड़ियों को। मैं आपको अच्छे से पूरी दिखाई देता हूँ आगे से पीछे से। बहुत अच्छी लगी मुझे दोनों ये गाड़ियाँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट ऑयल देन पेट्रोल। जिसने चेतक चलाई है, जिसके पास चेतक है वो समझ सकता है कि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑयल देन पेट्रोल। एंगल लगाया है हमने बाइक के ऊपर, आगे कैमरा लगा है, यहाँ पे बाइक है, यहाँ पे मैं बैठूंगा और आप अब मुझे देख सकते हैं और मेरे पीछे का व्यू भी देख सकते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल से अपन दोनों एंगल से बात करेंगे। ये कैमरा रहेगा मेरे सामने, बट अगर आप देख पा रहे हो तो इसकी बैटरी बहुत कम है। तो जितनी बैटरी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितनी बैटरी होगी मेरे पास कैमरा का पूरा ड्रेन होने तक अपन शूट करेंगे, उसके बाद अपन आईफोन से शूट करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं अहूरा होटल, वी आर लीविंग अहूरा होटल, और इसके ही सामने पेट्रोल पंप है फ्यूल अप। हम एचपी के पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू हेड बैक टू आवर होम। बीच में वांद्री लेक घूमने का, पर हम जो ग्रुप को फॉलो करते हुए आ रहे थे वो ग्रुप को फॉलो करते करते हम आगे निकल गए। वांद्री लेक 19 किलोमीटर पीछे छूट गए। गाड़ी क्या लगे टोल नाके के बाद में गोप्रो में जितना फुटेज रिकॉर्ड हुआ उतना हुआ। थोड़े कर्व्स के बाद पहले गोप्रो बंद हो गया, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, गोप्रो बंद हो गया, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब आपको एरिया देख के समझ ही क्या होगा कि हम घर पहुँच चुके हैं। बाइक हमारी सही सलामत, बाइक दिखाता हूँ, बाइक हमारी सही सलामत वन पीस में करें। बहुत मज़ा किया कि नहीं? मज़ा है, बहुत मज़ा। अब 75th इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभेच्छा। हम घर पहुंच चुके हैं, इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है, मेरी शक्ल तो देखो, अगर ये व्लॉग यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बस आज के लिए Thank you for making me a part of your day. See you all soon in the next vlog. Until then, bye-bye, take care, hasala, visa. And like I always say, dream big. Dream big.